हेलो डियर, बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फंजाई। क्या रहे भाई? फंजाई किंगडम। तो फंजाई किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद क्या है जो नेक्स्ट जो किंगडम आता है वो है फंजाई। टोटल हमारे पास 5 किंगडम है। तो पहले हम बात करते हैं माइकोलॉजी। तो इसमें बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी क्या था भाई? स्टडी ऑफ फंजाई। तो बात आती है कि जो फंजाई है नॉर्मली हम जो कौन होता है, ठीक है, मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है थोड़ा सा, इसमें थोड़ी ऐड किया है कि जो फंजाई है नॉर्मली हम कहाँ देखते हैं। हमारे घर के अंदर जो ब्रेड होती है, ठीक है, उसको आपने देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा अपने जहाँ कूड़ा करके डालते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर ही जनरली पाई जाती है। तो हम ये देखें कि जो ये जो इसके अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना, इन वर्ल्ड वाइल्ड के अंदर, ठीक है। अब बात आती है जो फंजाई है ग्रेट डाइवर्सिटी में तो प्रेजेंट है, अलग अलग एरिया प्रेजेंट है। क्या ये फंगस हार्मफुल भी है? बिल्कुल है भाई। फिर उसके बाद पता लगी अगर यूजफुल है, बिल्कुल भी है भाई। जैसे मशरूम होती है ना, तो वो क्या है, खाने में यूज होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें प्रोटीन पाया जाता है। बट एक जगह पे हम देखते हैं जो फंगस होती है हमारी बॉडी के लिए इन्फेक्शन कर, जिसमें हम इच हमारी बॉडी के कई बार देखा होगा आपने, नोट किया होगा, इचिंग होती है ना हमारे काफ़ी जगह पे पार्ट पे। तो वो सब फंगस की चीज़ होती है। आपको खाना बहुत काफ़ी बार ख़राब हो रहा होता है, उसके अंदर आपको वाइट कलर, ब्लैक ब्राउन कलर, रेड कलर दिखाई देता है, तो वो जो है वो क्या है, एक तरह से फंगस है, ठीक है ना। आप जैसे नॉर्मली भाषा में साफ की छतरी बोलते हैं, जो आपने जहाँ पे डस्टबिन होता है या डस्ट अभी ना जहाँ पे आप डाल के आते हो वहाँ पे आपको साफ की छतरी बोलते हैं नॉर्मल कॉमन भाषा में। तो वो जो साफ की छतरी होती है वो क्या होती है, एक तरह से फंगस है वो, ठीक है। तो उसी के बारे में स्टडी करने वाले। तो इसका हम जो दूसरा नाम होता है अल्सो कॉल्ड माइकोटा। इसका हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं भाई? माइकोटा। हमारे पास फंगस और माइकोटा। फिर बात आती है कि ये फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक ना। तो क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। क्या भाई? नॉन मींस नॉन फोटोसिंथेटिक है, मींस ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती। मींस क्लोरोफिल क्या होगा फिर? क्लोरोफिल क्या होगा? एबसेंट होगा। तो आपको ये नॉर्मल चीजें थी मैंने ऊपर लिखी हैं। अब बात है भाई इसके अंदर हम जो कुछ करेक्टर्स आपको माइंड में रखने हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए सेल लेवल, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये कुछ वर्ड हैं जिसको आपको कंटिन्यूसली याद रखना है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, यदि आप ये लिख लेते हो, ये याद रहते हैं, तो इन बेस पे बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास निकल कर आते हैं, ठीक है। जैसे मैं सेल लेवल की बात कर रहा हूं, सेल लेवल में कैसे होते हैं ये, ठीक है ना, मीन्स नंबर में यूनिसेलर है कि मल्टीसेलर। ये यूनिसेलर और मल्टीसेलर, सर आपने तो पहले तो मल्टी सेलर बताया था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में, यूनिसेलुलर भाई। इसके अंदर एक्सेप्शनल केस है ईस्ट, जो कि बहुत एक तरह से फेमस है, जैसे अमिताभ बच्चन फेमस है वो बॉलीवुड के अंदर, ये यूनिसेलर फंगस के अंदर बहुत फेमस है यूनिसेलर फॉर्म में, ठीक है ना। हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है ना। फिर आते हैं मल्टी सेलर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैं मशरूम आ गया, पेनिसिलियम आ गए, तो बहुत सारे इसके अंदर हम रीड करने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम नॉर्मली, हम मैंने बताया था आपको, बाकी तो यू कैरियोटिक। क्या कहा भाई? यू कैरियोटिक मीन्स इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा। आप खुद पॉइंट लिखोगे भाई, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस हो गया भाई, यूकैरियोटिक तो ट्रू न्यूक्लियस में एटोमेटिक वर्ड्स आ जाता है ना, तो ट्रू न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास नॉर्मल करेक्टर्स हैं। फिर आता है इसके हैबिटेट्स की बात करते हैं।
ये खाना कहाँ से लेता है। तो मैंने पहले बताया था कि ये डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, मैंने बताया कि ये फूड हमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं है ना, जो नेचुरल नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी हो, चाहे कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, उसके ऊपर इजिली ये क्या आता है जो या जो डंग होता है ना, बफेलो के द्वारा, काऊ के द्वारा जो डंग रिलीज किया जाता है उसके ऊपर भी रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये मोस्टली क्या करता है, दूसरों पर डिपेंड करता है। तो दूसरों पर डिपेंड होना मतलब क्या हो गया, हेट्रो ट्रोफस ट्रोफिक है ना भाई, क्लियर है माइंड। अब हेटरोट्रोफिक में कौन सा टाइप है भाई, सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, तो ये दो टाइप में हो जाता है। इसके अंदर ऐसे कर लेता हूँ, दो टाइप में क्या क्या, एक सबसे मेन होता है सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक। पैरासाइट, पैरासाइटिक में कैसे बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक में कैसे बोलेंगे, आपकी बॉडी के अंदर इचिंग हो रही है, आपकी बॉडी का मीन सर्वाइव कर रहा है ना, फंगस ये वो जिसकी वजह से इचिंग हो रही है, तो पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक इसको हम डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि ये जो डंग जहां पे डालते, मैंने बताया था वहां पे ग्रो हो जाता है नेचर, तो उनको क्या कहता है, उनको डिकम्पोज करने में हेल्प कर रहा है भाई, ठीक है ना, गला लेने सड़ाने में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सैप्रोफाइटिक मीन्स जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर भी ये पाया जाता है, तो सैप्रोफाइटिक हो गया। पैरासाइटिक आपको पता है कि वो डिपेंड दूसरे के ऊपर सर्वाइव करना, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये तो हमारे पास कॉमन करेक्टर हो गए जो फंगस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी कैसा दिखता है, कैसा खाता है, क्या पीता है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। अब बात आती है कि वो दिखता कैसा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे होते हैं। अब बात आती है बॉडी स्ट्रक्चर पे, वो कैसे दिखता है कि हम बात करते हैं, इसके अंदर फिलामेंटस प्रेजेंट होते हैं, मींस फिलामेंट बताऊंगा, फिलामेंटस फॉर्म। जैसे कि नॉर्मली हमारे पास कोई प्लांट देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या स्टेम दिखाई देती है, स्टेम से, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसके ऊपर अलग स्ट्रक्चर के बाद में बात करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको उसने क्या बोला है, जैसे हम नॉर्मली उसको स्टाक बोलते हैं, तो यहां पे क्या है, फिलामेंट है, ये किसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट है, ठीक है ना। इसकी बॉडी के ऊपर यहां पे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ठीक है, मल्टीपल में होगा उसके बारे में, फिर ये सेप्टेट होगा, एसेप्टेट होगा उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो ये जो फिलामेंटस है क्या भाई, फिलामेंट, यदि ये सिंगल है, क्या भाई, यदि ये सिंगल है, फिलामेंटस जो है वो सिंगल है, तो हम उसको एक नाम देंगे, सिंगल फिलामेंटस, सिंगल फिलामेंटस, ठीक है ना। हम उसके एक ही बात करेंगे, इनफंजाई इज कॉल्ड हाइफी, एक नाम दिया है हमने, क्या नाम दिया भाई, हाइफी, ये नोट रखना है आपको, ठीक है ना। मतलब आपने जो ये एक सिंगल है, ठीक है ना, स्टॉक है, फिलामेंट ऐसे, इसको हमने क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे। यदि मल्टीपल हो जाते हैं तो उसका हम दूसरा नाम उसको बोलेंगे माइसेलियम, लिख देते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अब देखो मैं थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अब इज कॉल्ड माइसीलियम, क्या बोलेंगे भाई, माइसीलियम। अब देखो कैसे होता है माइसीलियम, अब देखो ये सिंगल था स्टॉक फिलामेंटस, जिसको हमने हाइफी बोला, हाइफी के साथ में और ग्रुप बन गया, मतलब ये बहुत सारे हो गए, मतलब आप नॉर्मली प्लांट बनाते हो उसके अंदर कि ब्रांच नहीं बन जाती, ब्रांच बन गई ना भाई, इसमें ऐसे ब्रांच बन गया तो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, ठीक है ना, एक ग्रुप ये हो, एक ही हो गया, एक तो कितने कितने ग्रुप हो गए, पांच के ग्रुप हो गए, तो इसको हम बोलेंगे माइसीलिया,
समझा रहे आपको, सिंगल है तो उसको हाइफी बोलना है, हाइफी, और यदि वो ग्रुप बन गया है, ग्रुप ऑफ हाइफी बन गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। क्या बोलेंगे बेटा, माइसीलियम। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आ जाता है कि जो माइसीलियम है उसके अंदर, अब स्ट्रक्चर की बात करें फंजाई, अब हमारे पास हाइफी हो गया, माइसीलियम हो गया, यदि उसके अंदर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है तो हम फिलामेंट को ध्यान देंगे। जो फिलामेंट है ये तो हो गया, फिलामेंट ज्यादा है कम है, ठीक है। तो फिलामेंट के अंदर हम बात करते हैं कि उसकी जो स्ट्रक्चर है, किसी वजह से जो हाइफी है उस स्ट्रक्चर में हमें अलग अलग देखने को मिलता है, तो फिलामेंट टू टाइप का हो जाता है, टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट, ठीक है ना। किसका, हाइफी है या फिलामेंट है। हाइफी स्ट्रक्चर हमें एक तो हमें दिखाई देगी, देखिए ध्यान से देंगे, ऐसा स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर हमें इनको बोलते हैं सेप्टा। ध्यान से देंगे, देखना भाई, सेप्टा तो है, सेप्टा मीन्स उसे इस, ये दो हमें जो लाइन दिखाई दे रही है, ध्यान से देखें, इनके बीच में जोड़ने के लिए, या इसको इसको इससे अलग करना है, इसको इससे अलग, तो दीवार आ जाती है, क्या कहते हैं उस दीवार को, हम क्या बोल रहे हैं, सेप्टा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेप्टा तो है, लेकिन इस बीच दौरान यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियट हो जाता है, ये इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन हो जाती है इसके अंदर, तो इस कंडीशन बोलते हैं कोइनोसाइट। तो इसमें दो टाइप लिख रहे थे हम, कोइनोसाइटिक, ठीक है ना। दूसरा था सेप्टेट, क्या लिखे थे भाई, सेप्टेट। अब कोइनोसाइट में पता लगे मल्टी न्यूक्लियस, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा भाई, क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस। जैसे ये फिलामेंट है, इसके अंदर हमें बिल्कुल पैरलर, और इसमें क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा। तो हमें जो हाइफी है उसके अंदर क्या डिफरेंस लगा, जिसके अंदर सेप्टा, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, लेकिन ये जो सेप्टा है ये सिर्फ एक न्यूक्लियस को अरेंज कर रहा है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टी न्यूक्लियट को अरेंज कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एसेप्टेट, और इसको बोलेंगे सेप्टेट, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। फिर इसको हम मल्टी न्यूक्लियट की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, कोइनोसाइट, ठीक है भाई, क्या बोलेंगे, कोइनोसाइट। अब बात आती है कोइनोसाइट और सेप्टेट में डिफरेंस में आ गया आपको, इसमें ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, सेप्टा है, ये न्यूक्लियस हो गए, ये सेप्टा, तो ये ओरिजिनल सेप्टा है मान लो आप, ये थोड़ा सा उसमें सेप्टा तो है, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि उस एक एक न्यूक्लियस को अरेंज कर रहा है, ठीक है ना, हाइफी के अंदर। ये इसमें क्या है, हाइफी को, हाइफी तो ये हाइफी के अंदर जो सेप्टा है वो क्या है, सेपरेट तो कर रहा है, लेकिन वो उस वे में नहीं कर रहा जैसे इस वे में कर रहा है, तो इसको हमने सेपरेट बोला, इसको एसेप्टेट, और मल्टी न्यूक्लियट होने की वजह से इसको हम कोनोसाइटिक, और इसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, समझ में आ गया आपको। अब बात आती है इसके अंदर जो सेल वॉल होती है फंजाई के अंदर, वो हमें कैसे दिखाई देती है, सुनना गया भाई, तो सेल वॉल होती है, वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, क्या होती है भाई, काइटिन, किटिन बोल सकते हो, काइटिन बोल सकते हो, अब प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये काइटिन की होती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये मैंने भी बताया था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइट्स हो गया। अब बात आती है इसके अंदर एक, हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक वर्ड आएगा लाइकन, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसके अंदर सेक्सुअल, असेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों टाइप के होते हैं। असेक्सुअल, एसेक्सुअल की बात करते हैं तो इसके अंदर बाइस्पोर होता है, स्पोर बनाता है, ये कैसे बनाता है, स्पोर बनाता है, और स्पोर के अंदर हम पढ़ेंगे मोटाइल और नॉन मोटाइल, दो टाइप के बनाता है। मोटाइल को क्या बोलेंगे हम, जू स्पोर, क्या बोलेंगे, जू स्पोर, दो टू टाइप्स से स्पोर फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है यदि हम स्ट्रक्चर बेस पे जाएं,
फ्लोटिंग बॉडीज बनती हैं। नॉन-मोटाइल में क्या आएगा, कोनेडिया। एग्जांपल दे देता हूँ, कोनेडिया जो कि क्या होता है, एग्जोजीनियस स्पोर होता है। देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार, ये हो गया ठीक है ना, ये पेनिसिलियम के अंदर की बात कर रहा हूं। अब इसके अंदर जो अरेंजमेंट है स्पोर की, वो देखो कैसी है, जो लेग्यूम्स होते हैं बॉडी के ऊपर प्लांट के अंदर, तो वैसे इसमें लेग्यूम्स दिखाई देते हैं। और इन दिनों के अंदर क्या होता है, स्पोर होते हैं भाई, क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। तो ये एक्सटर्नल है करेक्टर है ये, ठीक है ना, क्या है, एक्सटर्नल बाहर दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलेंगे एक्सोजीनियसली स्पोर फॉर्मेशन। समझना भाई, यदि वो अंदर बना रहा है स्पोर, जैसे जू स्पोर क्या होते हैं, अंदर होते हैं, तो इसको बोलेंगे एंडोजीनियसली स्पोर, एंडोजीनियसली स्पोर। तो अंदर बना रहा है एंडोजीनी। और यदि ये अरेंजमेंट, अब ध्यान से और सुना, यदि अरेंजमेंट लेग्यूम्स की फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे कोनिडिया, क्या बोलेंगे, कोनिडिया। यदि इनकी अरेंजमेंट और देखेंगे इस फॉर्म में है, अटैच करें पैरेलल एक दूसरे के, तो इसको इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ओडिया अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो कोनिडिया किसके अंदर होते हैं, पेनिसिलियम के अंदर। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद करना है। अब बात आती है जो फंजाई है, वो हमने पढ़ा कि वो प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाती है या ऑर्गेनिक मैटर्स और दूसरे होते हैं उनके ऊपर ग्रो कर जाती है, ठीक है ना, ये बात की। लेकिन यही प्लांट जो जो प्लांट, मैं कहूँगी ये प्लांट के साथ ग्रो कर रहा है, प्लांट के साथ सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको कैसा लगेगा। अब मैं आपको एक वर्ड यूज करने वाला हूँ, लाइकन। लाइकन में क्या कहता है कि जो फंजाई है वो प्लांट का एक पार्ट होती है अल्गी, उस अल्गी के साथ ये एक एसोसिएट ग्रुप बनाती है, उसके साथ लिंक बनाती है, और दोनों एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर पाते हैं। वो कैसे हो रहा है हम देखते हैं अभी। समझ में आ गई सभी, इसको वीडियो को बार बार देखना है, समझ में नहीं आए तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी भाई, ठीक है। अब बात आती है लाइकन्स की, मैंने एक वर्ड यूज किया है लाइकन। लाइकन्स क्या कहता है भाई, लाइकन्स, लाइकन्स क्या कहता है, एल्गी और फंजाई। ध्यान से देखेंगे, एल्गी प्लस फंजाई दोनों एक साथ एसोसिएशन करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रखती हैं। जब ये दोनों एक साथ रहती हैं तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन। क्या बोलते हैं भाई, लाइकन। अब ये कैसे हुआ कि एल्गी जो है वो प्लांट में आती है, फंजाई अपन को पता ही है, मीन्स एल्गी तो फोटोसिंथेटिक है और ये फंजाई जो है नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो ये कैसे रह सकते हैं भाई। रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, और रहते भी हैं, और ये उस एरिया में रहते हैं जहां पे पोल्यूशन नहीं होता, तो इसको हम इंडिकेटर ऑफ अनपोल्यूटेड एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये जहां पे ये प्रेजेंट होंगे, लाइकन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, मीन्स वहां पे पोल्यूशन एरिया होगा, क्या पोल्यूटेड एरिया नहीं माना जाता, क्योंकि ये ग्रो ही उस जगह पे होती है जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे सर्वाइव करती हैं। एल्गा जो एल्गी होती है, आप एल्गी बोलो ठीक है ना, वो क्या काम करती है, फूड बनाती है, मीन्स फोटोसिंथेसिस करती है, पता है ना आपको, है ना। अब क्या देखो, अब जो फंजाई है वो क्या करती है, ये फंजाई एल्गी को प्रोटेक्ट करती है, किससे, एनिमल से, क्योंकि वाटर में अंदर भी रहते हैं ये, तो वहां पे तो ये फंजाई पानी रहते हैं, जो पानी के एनिमल्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि फंजाई को जो कोई एल्गी गलती से कोई खाने भी आता है, इंटेक करने आता है फूड की फॉर्म में, तो फंजाई क्या, फंजाई को देखो वो नहीं खाएगा उसको, तो ये उसे क्या प्रोटेक्शन मिले, है ना। अब ये क्या कर रही है, उसको फूड प्रोवाइड कर रही है, क्या कर रही है भाई, फूड प्रोवाइड कर रही है, मीन्स एल्गी से फंजाई क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन। तो दोनों को एक दूसरे को क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है ना, तो ये एसोसिएशन बना लेते हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं लाइकन। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो मैंने दो पॉइंट बता दिए हैं,
इसको लाइकन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फूड प्रोवाइड करती है, इसको प्रोटेक्ट प्रोवाइड करा है। फूड प्रोटेक्ट कैसे होता है पता लग गया ना आपको? ठीक है, फिर ये जो हमारे इन्वायरमेंट अच्छा पॉल्यूटेड है या नहीं है उसके बारे में इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, पॉल्यूटेड एरिया नहीं है तो वहां पे प्रेजेंट होगा, यदि वो पॉल्यूटेड एरिया है तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो आज ये टॉपिक यही बताऊँ, इसके बाद में चार इसे फोर टाइप्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, गुड लक।